डी आ जाता हमारा नेक्स्ट पेज का डी पैराग्राफ डी वाटर, आपको लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि डी वाटर इज मेड ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डी एच, डी पानी, पानी हाइड्रोजन एच और ऑक्सीजन ओ से बना है और इसमें रासायनिक H2O का उपयोग होता है। यूनिवर्सल के रूप में भी कर सकते हैं। पानी के लिए जो प्रतीक है मिनी आण्विक सूत्र, मतलब वो HO का तात्पर्य है कि पानी के जो अणु होते हैं वो दो H परमाणु और एक O परमाणु, मानव रक्त में 90% पानी होता है आप लोगों को मालूम है इसका, और जो उसके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे ए विटामिन ए, विटामिन ए आप लोग अब पढ़ते जाओगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन के समूह का सामूहिक नाम है जो विटामिन सी का सबसे उपयोगी है, रूप रेटिनॉल है और रेटिनॉल केवल जानवरों में पाया जा सकता है और इसके स्रोत और शरीर का जो द्वारा रेटिना और रेटिनोइक एसिड में भी परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विटामिन बी, विटामिन बी को आगे और कई भागों में बांटा गया है, जैसे विटामिन बी टी यह पानी में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का उसका एक कैंडिडेट है, इसे थियामिन या थाइमिन के नाम से भी जाना जाता है। एंड्यून, एंड्यून मीन्स कई महत्वपूर्ण जो उसकी जो बातें हैं जो चिंताएं हैं वो अपनी जो चायापचाय जो प्रक्रिया होती है, जो चपचपानी क्रिया होती है जो विटामिन बी टू के अनुसार होती है, तो विटामिन बी टू यह पानी में घुलनशील विटामिन ए यह विटामिन है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इसे नियासिन निकोटिनिक एसिड और के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से शरीर में विटामिन B5 ये पानी में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी का सदस्य भी, इसे पेटोथोनिक एसिड भी कहा जाता है और इसका प्राकृतिक रूप डी पोटोथेनिक एसिड एक ऐसा तेल है जिसकी आवश्यकता उच्च जानवरों और कुछ मील की होती है। क्रोजी, विटामिन बी यह एक पानी में घुलनशील विटामिन है और इसका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये एक कैंडिडेट भी है। अब हमारा आ जाता है विटामिन B12, वेबनॉइड्स का दूसरा नाम है ना, विटामिन B12 यह पानी में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी कंप्लीट का सदस्य भी है। इसे कोबलामिक और इसे कोबाल्ट कारक के रूप में भी, साइनोकोलामिक के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोकोलोसिक कोलामिक, यह सूक्ष्म जीव है जो जीवों के निर्माण द्वारा निर्मित होता है और हमारा जो जिगर होता है उसमें भी पाया जाता है। जिगर पहचानते हो ना आप, दिल है ना, यह कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जाता है। और फोलिक एसिड नेक्स्ट आएगा कि फोलिक एसिड एक पानी में घुलनशील विटामिन है और फोलिक एसिड ये घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी का एक कैंडिडेट भी है। और इसके अलावा जो इसका नाम है फोलासिन है, पाट्राइल एंड ग्लूटामिक एसिड PGA, विटामिन बी या विटामिन एम 1935 में खमीर और यकृत के रूप में भी इसे खोजा गया था। विटामिन एच जो आगे बढ़ते जा रहा है आप देखते जाओगे इसमें ना, विटामिन एच ये पेज का लास्ट वाला, विटामिन एच यह एक पानी में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैंडिडेट है और बायोस इन इल विटामिन एच के नाम से भी इसका नाम प्राकृतिक रूप से बायोटिन है। नेक्स्ट पेज पर देखना डी मिनरल्स है ना, डी मिनरल्स टू, बीमार खेल और पोषण, बी खनिज ये विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बना होता, मैक्रो मिनरल ये 5G मतलब 5 ग्राम से अधिक मात्रा में भी पाए जाते हैं और सूक्ष्म खनिज जो हमारे माइक्रो मिनरल सूक्ष्म
माइक्रोमिनरल जो 5 ग्राम से अधिक भी है और 5 ग्राम से कम भी है, जो इंसान के शरीर में के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो कुछ खनिज होते हैं उसके बारे में भी इसकी जानकारी निम्नलिखित है। जैसे ए मैक्रो खनिज, ये कैल्शियम, सी है ये हड्डियों और दांतों का प्रमुख घटक है। यह भी जरूरी महत्वपूर्ण है कि जो हमारी जो चयापचय जो प्रक्रियाएँ होती है, तंत्रिका कार्य होती है, मांसपेशियों में संकुचन और रक्त का जो थक्का जमता है, ब्लड का जो थक्का जमता है, वो आयरन एफी या शरीर में ऊतकों के बीच ऑक्सीजन का स्थानांतरण करने के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यह स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है और इसके कामकाज में भी सुधार करता है। मांसपेशी और तंत्रिका ऊतक है। नेक्स्ट दिया गया है फास्फोरस पी, यह हड्डी और ऊतकों का एक घटक है जो आवश्यक यौगिकों का निर्माण करता है, ऊर्जा प्रतिक्रियाओं के लिए भी उसका निर्माण करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पोटेशियम के, यह इंट्रासेल्युलर द्रव का मुख्य आधार आयन है जो कि तंत्रिका तंत्र की विद्युत जो क्षमता होती है उसकी जो शरीर की बाहर जो बाहरी और कोशिकाएं द्रव की मात्रा में जो नियंत्रित करता है उसे शरीर की एसिड धार पीएच संतुलित बनाए रखने के लिए भी रखना जरूरी है। तंत्रिका जो तंत्र होते हैं वो विद्युत क्षमता की और इसकी प्रकार की जो मांसपेशियों की कारण प्रणाली होती है वो तंत्रिका ऊतक कहलाती है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सूक्ष्म खनिज ज, क्रोमियम सीटी, ये एक कंकाल की मांसपेशियों में कामकाज में शामिल है, और कॉपर सीयू, ये एंजाइम कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड और डिस्म्यूटेज CuZn एक भाग है। नेक्स्ट SOD, यह एक साइट्रोक्रोम ऑक्सीडेज है और एक्साबिक सहित इसमें एंजाइमों में भी मौजूद है, और एसिड ऑक्सीडेज और टायरोसिनेस ब्लड जो होता है, लाल रक्त होता है, रेड ब्लड होता है, वो कणिकाओं और उसकी जो प्लाज्मा होते हैं, ब्लड का जो प्लाज्मा में पाया जाता है मैग्नीज MN, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, प्रजनन क्षमता, मजबूत स्वास्थ्य का गठन होता है, हड्डियों नसों और मांसपेशियों में भी इसका गठन होता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सेलेनियम AC, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो लिपिड और पैरा ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं, उसकी कोशिकाओं में भी रोकने का काम करते हैं, और यह एंजाइम ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज का भी एक अनिवार्य घटक है जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता करते हैं। इसी में नेक्स्ट है हमारा सल्फर। सल्फर का भी देख लीजिए कि जो सल्फर S, यह शरीर की संरचना में जो विषाक्त पदार्थों होते हैं उसका उपचार करते हैं, निर्माण करते हैं, और स्वास्थ्य जो होता है वो सल्फर सहित कई अमीनो एसिड का भी एक हिस्सा है जो सिस्टम और मेथियोनिन जिंक ZN, अब हमारा लास्ट आ जाता है जिंक ZN, ये 200 से अधिक मतलब 200 से अधिक होते हैं, एंजाइमों के कामकाज और मजबूत निर्माण के लिए भी इसमें आवश्यक अतिरक्षा तंत्र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आप देखिए, नेक्स्ट पेज आ जाता हमारा 2.2, न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, पुष्टिकरण आहार के रूप में पोषक घटक संतुलित आहार में निम्नलिखित इसके घटक होते हैं। जैसे नेक्स्ट दिया गया है पेज में आप देख सकते हैं कि ए कार्बोहाइड्रेट या बी कार्बोहाइड्रेट कार्बन यौगिक को जैसे सोर्बन और उसमें ऑक्सीजन, अब नेक्स्ट इसमें पढ़ना होगा हमें कि ऑक्सीजन वे शरीर को ऊर्जा आर प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में मुख्य स्रोत हैं इसके निम्नलिखित, मतलब जो आगे जो दिया गया है कि फर्स्ट में जैसे स्टार्च दिया गया है, नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट दिया गया है इसमें स्टार्च गेहूं, मक्का, कॉर्नफ्लोर, चावल, आलू, चुकंदर आदि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दिया गया है चीनी, शक्कर, ब्लड, इसमें
मोनोसेक्राइड और डिस्क्राइड होते हैं, वे कर सकते हैं कि शहद गन्ने से प्राप्त, चुकंदर, दूध आदि। नेक्स्ट सेलुलोज, यह एक रेशेदार पदार्थ है और फलों सब्जियों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अनाज संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की इष्टतम जो गुणवत्ता होती, क्षमता होती है, वो कम से कम 60% होना चाहिए। और इसका कुल ऊर्जा का सेवन जो है वह यदि अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है तो अतिरिक्त जो राशि को इस रूप में संग्रहित किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का वे गर्मी और क्षमता पैदा करते हुए उद्देश्य भी पूरा कर सकता है और शरीर के लिए इंसुलेशन जो थर्मल तनाव से भी बचाता है, वे है कि उसमें आवश्यकता बढ़ जाती है। जैसे दिया गया है विटामिन ए डी और ई, और ए के अवशोषण वसा भी सुरक्षा करता है, समर्थन प्रदान करता है, और हृदय गुर्दे जो किडनी और आंतों जैसे महत्वपूर्ण अंगों के आहार से भी प्राप्त होता है। निम्नलिखित दो उसके मुख्य स्रोत हैं, जैसे पशु स्रोत और पशु वसा। नेक्स्ट क्या क्या दिया गया इसमें, ये वाला कि एनिमल सोर्सेस और वेजिटेबल सोर्सेस, ये पॉइंट दिखाई दे रहा आपको, एनिमल सोर्सेस वेजिटेबल, तो इसके दो हैं। इसमें से जो निम्नलिखित दो पशु स्रोत और वसा, तो मांस और डेयरी उत्पादन जैसे दूध से मिलकर बनता है, मक्खन, पनीर और अंडे की जर्दी से। वनस्पति स्रोत, इसमें मूंगफली, सरसों के विभिन्न खाद्य तेल मिले हुए होते हैं और इसके विभिन्न खाद्य तेल शामिल होते हैं इसमें। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सी प्रोटीन्स। वसा का सेवन, इसमें बिनोला, सूरजमुखी, नारियल, वसा का सेवन कुल ऊर्जा का 20% निर्धारित किया जाता है और इसमें 2 ग्राम प्रति किलो शरीर का जो वजन होता है, तो वजन इष्टतम आवश्यकता होती है वजन को। और वसा की अधिकता से जो कोरोनरी जो अपना हृदय है वो हो सकता है, जैसे बीमारी वगैरह हो जाना, कुछ भी हो जाना। नेक्स्ट दिया गया हमारा सी प्रोटीन, है ना। प्रोटीन में मानव पोषण में प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण है। यह भोजन का एकमात्र वर्ग है जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक और प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रोटीन का उपचय है जो ऊतकों से मरम्मत के मदद करता है और प्रोटीन की जरूरत में शरीर में निर्माण भी करता है प्रोटीन। अब इसमें नेक्स्ट हमारे और आगे हमारे पास में बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज इसमें आया नहीं है। नेक्स्ट पेज में यही कह दिया है कि एनिमल सोर्सेस, प्लांट सोर्सेस और डी विटामिन, ये दोनों जो एनिमल सोर्सेस, वेजिटेबल सोर्सेस जो आपके सामने दिया गया है इसी के बारे में, एनिमल सोर्सेस और प्लांट सोर्सेस में डी विटामिन और बढ़ा दिया गया है जो नेक्स्ट पेज पे। तो प्रोटीन का कार्य उपचय है और ये ऊतकों की मरम्मत से मदद करता है, प्रोटीन की जरूरतों में भी मदद करता है, शरीर का निर्माण करने में मदद करता है। प्रोटीन के इसमें 2 प्रकार होते हैं, मुख्य आहार होता है स्रोत, पशु स्रोत, पशु प्रोटीन आदि से मिलकर बनता है। सेकंड होता है पादप स्रोत, जैसे दाल, अनाज, मेवा, फलियां, मटर, तिलहन की जो खली होती है उसमें भी, और जैसे कि प्रोटीन का सेवन शरीर के 1.5 ग्राम प्रति किलो के बीच होना चाहिए, मतलब 1 ग्राम से 2.5 ग्राम के लगभग इसके बीच में होना चाहिए। और जो प्रशिक्षण भार के आधार पर इसका वजन होता है वो डी विटामिन है ना, ये प्राकृतिक उत्पादों का निर्मित से मौजूद जटिल और कार्बनिक यौगिक है और कृत्रिम रूप से जो प्रोटीन ऊर्जा नहीं देते लेकिन विभिन्न प्रकार के शरीर से उत्पर्क के रूप में भी इसमें कार्य करते हैं। और इसकी प्रक्रियाएं संतुलित आहार में वो सभी विटामिन होने चाहिए जो आवश्यक एवं जो स्वस्थ की व्यक्ति की विटामिन की 2 भागों में बांटा गया, विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील, जबकि विटामिन ए और डी में वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ओके।